प्रिय लोगों, पवित्र शास्त्र हमसे ये कहता है कि शुद्ध मन वालों के साथ इन बातों की हर दिन चिंता किया करो। पहला कुरिन्थियों 12:25 वचन में लिखा है, मसीह की देह के अंग होने के कारण एक दूसरे की बराबर चिंता किया करो। दूसरा कुरिन्थियों 8:21 वचन में लिखा है, प्रभु और मनुष्य के निकट जो बातें भली हैं उन बातों की चिंता किया करो। दूसरा कुरिन्थियों 11:28 वचन में लिखा है, प्रभु की कलीसिया की चिंता किया करो। अफसियों 2:4 वचन में लिखा है, दूसरों के हित की भी चिंता किया करो। पहला तिमोथियुस 5:8 वचन में लिखा है, अपनों की और अपने परिवार की चिंता किया करो। इब्रानियों 11:24 वचन में लिखा है, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। हमें प्रभु ने इन बातों की चिंता करने को कहा है, लेकिन हम किस बात की चिंता करते हैं? हम तो धरती की वस्तुओं की चिंता करते हैं, अपने भविष्य की चिंता करते हैं और अन्य काम की चिंता करते हैं। क्या प्रभु के द्वारा दिए गए धार्मिकता के कामों की चिंता करते हैं? प्रभु ने कहा, सब कामों को छोड़कर सबसे पहले धार्मिकता की खोज करो, धरती की सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। सबसे पहले धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता के काम कौन कौन से हैं? मसीह के देह के अंग होने के कारण एक दूसरे की बराबर चिंता करना, प्रभु और मनुष्य के निकट जो बातें बलिया उन बातों की चिंता करना, प्रभु की कलीसिया की चिंता करना, दूसरों के हित की चिंता करना, अपने और अपने परिवार की चिंता करना, प्रेम और भले कामों के उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करना। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन तो हमें कहता है, धार्मिकता की खोज और धार्मिकता के काम सबसे पहले और उस बात की चिंता करो। हम किस बात की चिंता करते हैं? हम आपसे राय जानना चाहते हैं, हमें कौन सी बातों की चिंता करनी चाहिए और किन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृपा करके अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें कि इस चैनल की हर एक वीडियो आपकी यूट्यूब की होम स्क्रीन पर सबसे पहले हो। ओके फ्रेंड्स, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।